हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मधुसैनी मैक्रम वर्ल्ड। में फ्रेंड्स, आज हम मैक्रम से बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कान्हा जी का झूला तैयार कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमने इसको कैसे बनाया है। झूला बनाने के लिए हमने 32 कॉर्ड्स ये हाफ मीटर लिए हैं। कलर आप कोई भी ले सकते हैं। दो कलर के बीट्स लिए हैं। 3 स्क्वायर रिंग हमने यहाँ पर ये 3 इंच के लिए हैं और 2 स्क्वायर रिंग हमने 6 इंच के लिए हैं। इसी के साथ लाइटर लिया है और सीजर ली है। तो चलिए झूला बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ये 6 इंच वाले दोनों रिंग को ले लेंगे और इसमें हमने जो 4 मीटर वाली कॉर्ड ली है उससे हम यहाँ पर सिंपल नोट लगाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम यहाँ पर ये सिंपल नोट लगाएंगे। दोनों रिंग को एक दूसरे से अटैच करते हुए हमें यहाँ पर सिंपल नोट लगानी है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से हम नोट लगा लेंगे। रिंग के एक साइड में हमको इसी तरीके से पूरे रिंग में नोट लगानी है। तो चलिए फटाफट से हम यहाँ पर नोट लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम पहले इसको इस तरीके से खड़ा कर लेंगे और इस तरीके से जब हम गांठें लगाएंगे तो बहुत ही आसानी के साथ हमारी नोट्स जो हैं लग जाएंगी और इसका एक शेप भी बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से हम इसमें नोट्स लगा लेते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने इसमें सारी नोट्स लगा ली हैं और अब जो ये साइड्स में हमारा रिंग है इसमें देखिए, हम इस तरीके से नोट लगाएंगे। एक बार हम रिंग के ऊपर से निकालेंगे कॉर्ड को और एक बार देखिए इस तरीके से नीचे से निकालेंगे। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर नोट्स लगानी है। ये देखिए, फिर से एक बार हम ऊपर से निकालेंगे और एक बार ये देखिए रिंग के नीचे से निकालेंगे कॉर्ड को। इसी तरीके से हमको यहाँ पर पूरे रिंग को कवर करना है। तो ये देखिए, इस तरीके से फिर से एक बार और देखिए, एक बार हम रिंग के ऊपर से निकाल लेंगे कॉर्ड को इस तरीके से और एक बार ये देखिए इस तरीके से रिंग के नीचे से निकाल लेंगे। तो चलिए सारे, अब जितना भी रिंग है उसको हम इसी तरीके से कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सेम प्रोसेस के साथ हमने रिंग को कवर कर लिया है और बीच में देखिए हमने जो हमारा रिंग है छोटा स्क्वायर उसको हमें फिट करना है। तो यहाँ पर देखिए, हमने 3 नोट्स एक साइड में सेम पहले वाले प्रोसेस के जैसे बना लिए हैं और अब सेम उसी प्रोसेस के साथ हम यहाँ पर देखिए रिंग को इस तरीके से अटैच करेंगे। ये देखिए, रिंग को हम इस तरीके से अटैच कर लेंगे। आपस में रिंग को हम अटैच करेंगे और कॉर्ड से ये देखिए इस तरीके से नोट लगा लेंगे एक बार और एक बार रिंग के नीचे से निकालेंगे। ये देखिए, फिर से एक बार रिंग के ऊपर से लिया हमने कॉर्ड को और एक बार रिंग के नीचे से लिया। तो इस सेम इसी प्रोसेस के साथ हम रिंग को अटैच कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, हमने झूले का स्टैंड बनाकर बिल्कुल तैयार कर लिया है। और अब फिर से देखिए, हम 3 इंच वाला रिंग लेंगे और उसमें हमने जो हाफ हाफ मीटर वाली 32 कॉर्ड्स ली हैं उनको अटैच करेंगे। तो एक साइड में हमको टोटल 8 कॉर्ड्स को अटैच करना है और ये देखिए इस तरीके से हम इनको यहाँ पर अटैच करेंगे। तो चलिए पूरे रिंग में हम कॉर्ड्स को अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने रिंग में सारी कॉर्ड्स को अटैच कर लिया है और टोटल हमने यहाँ पर 32 कॉर्ड्स को अटैच किया है। एक तरफ हमने 8 कॉर्ड्स को लिया है और अब सभी कॉर्ड्स में हम बीट्स को डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पहले ग्रीन कलर का बीट्स को डाला है और अब पिंक कलर के बीट्स को डाला है। तो इसी तरीके से हम सारी कॉर्ड्स में, ये देखिए एक कॉर्ड में हमारे डबल करें तो हमने 2 हो गए हैं, तो 2 कॉर्ड्स में हमको एक बीट्स को यहाँ पर डालना है। तो चलिए सारी कॉर्ड्स में हम बीट्स को डाल लेते हैं इसी तरीके से। तो देखिए, यहाँ पर हमने सारी कॉर्ड्स के अंदर बीट्स को भी डाल दिया है। और अब फिर से देखिए, हम 3 इंच का एक और रिंग लेंगे और सारी कॉर्ड्स को इनके साथ अटैच करेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हम पहले सारी कॉर्ड्स को रिंग के अंदर डाल लेंगे और फिर एक एक करके ये देखिए इस तरीके से हम सारी कॉर्ड्स को अटैच करेंगे। ये देखिए, एक कॉर्ड को हमें यहाँ पर 2 बार रैप करना है और कहीं कहीं पर हम एक कॉर्ड को सिर्फ एक ही बार रैप करेंगे, तो इससे जो हमारे कॉर्ड्स हैं वो अच्छे से फिट हो जाएंगी। तो देखिए, हम एक एक कॉर्ड को लेंगे इस तरीके से और रिंग के साथ अटैच करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम यहाँ पर इनको अटैच करेंगे। और अब देखिए, हमने यहाँ पर सारे बीट्स को रिंग के अंदर अटैच कर लिया है और ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, देखने में ही बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। तो चलिए अब इनके नीचे का बेस तैयार करते हैं। तो इसके लिए देखिए, रिंग के जो हमारा नीचे का साइड है उसके हम देखिए कहीं से भी 4 कॉर्ड्स लेंगे और इसमें देखिए इस तरीके से सिंपल नोट लगा देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम यहाँ पर इसमें सिंपल नोट लगाएंगे।
अच्छे से टाइट कर कर हमको यहाँ पर नॉट लगानी है। फिर से हम आगे के चार धागे लेंगे और उसमें भी नॉट लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है बनाना। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और बनाने में भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। और देखिए फिर से हम आगे के चार धागे लेंगे और उसमें भी नोट लगा देंगे। तो ये देखिए हम यहाँ पर इसमें सिंपल नोट लगा देते हैं। इसी तरीके से चारों तरफ हम नोट लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने एक एक बार नोट्स को लगा लिया है। अब जो दो नोट्स के बीच वाला गैप है वहाँ पर हम देखिए इस तरीके से चार नोट्स पकड़ेंगे अंदर की साइड की, और उनमें भी देखिए इसी तरीके से सिंपल नोट लगाएंगे। देखिए इसी तरीके से हमको यहाँ पर नोट्स को लगाना है। ये देखिए एक एक करके हम यहाँ पर नोट लगाते जाएंगे। बीच वाला जो हमारा गैप वाली जगह है वहाँ पर हम नोट्स को लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमारी नोट्स भी हर बार कम होती जाएंगी। चारों तरफ हम इसी तरीके से नोट्स लगाएंगे। तो हर बार गैप वाली जगह पर हमको यहाँ पर नोट्स को लगाना है, और जो हमारी ऊपर की साइड, जो बाहर की साइड हमारी कोट्स बचती हैं उनको हमें यहाँ पर छोड़ते हुए जाना है, और उनको बाद में हमको यहाँ पर कट कर देना है। इसी तरीके से हम इसको यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए हमने सारी नोट्स लगा दी हैं, और जो बची हुई नोट्स हैं उनको हमने काट कर पीछे की साइड को चिपका दिया है। तो यहाँ पर देखिए हमारे झूला बनकर तैयार हो गया है। अब हमें इसको फ्रेम में फिट करना है। तो फिट करने के लिए देखिए हम यहाँ पर हाफ हाफ मीटर के चार कोर्ड्स लेंगे, और इनको हम देखिए इस तरीके से कोनों में अटैच कर लेंगे। चारों कोनों में हमको यहाँ पर एक एक कोर्ड्स को अटैच करना है। ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए हम इस तरीके से अंदर की साइड को लेंगे बाहर की साइड से कोर्ड्स को, और इस तरीके से हम ये देखिए निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से हम बाकी की दो कोर्ड्स को भी यहाँ पर अटैच कर लेंगे। और अब देखिए इनमें हम बीट्स को डाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने पहले एक ग्रीन कलर के बीट्स को डाला है। ये देखिए यहाँ पर पहले हम एक ग्रीन कलर के बीट्स को डाल लेंगे, और उसके बाद एक पिंक कलर के बीट्स को डालेंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पर सारे बीट्स को डाल लेंगे। तो टोटल हमने यहाँ पर 7 बीट्स डाले हैं। और अब देखिए इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी बीट्स को डाल लेंगे। और यहाँ पर देखिए हमने दोनों साइड में बीट्स को डाल लिया है। और अब देखिए हमें दोनों कोर्ड्स को अटैच करना है। तो इसके लिए देखिए हम यहाँ पर सिंपल नोट लगाएंगे। तो टोटल हम यहाँ पर 3 नोट लगाएंगे और अच्छे से इसको टाइट कर लेंगे, जिससे कि हमारे झूले की जो डोरी है वो ढीली ना पड़े। तो यहाँ पर देखिए हम टोटल 3 नोट्स को लगा लेते हैं, और सिंपल नोट ही हम यहाँ पर ये लगाएंगे। तो देखिए हमने दोनों तरफ नोट्स लगाकर तैयार कर लिए हैं। और अब हम इसे स्टैंड में फिट करेंगे। तो स्टैंड में फिट करने के लिए देखिए हम इसको इस तरीके से स्टैंड के बीचों बीच रखेंगे, और दोनों तरफ से देखिए इस तरीके से हम इसमें एक एक गांठ लगा देंगे। ये हम अभी परमानेंट नहीं लगा रहे हैं। यहाँ पर जो कोर्ड्स हम ऊपर की साइड को बांध रहे हैं इनको हमें एक एक करके जो हमारे ऊपर की साइड वाली कोर्ड्स हैं, ऊपर के एरिया की जो कोर्ड्स हैं उनमें हमको इसको फिट करना है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर जो हमने कोर्ड्स को बांधा है इनको हम ऊपर वाली कोर्ड्स के अंदर से निकाल कर कैंची से कट करके चिपका देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने चिपका दिया है, और हमने एक एक्स्ट्रा कोर्ड लेंगे, उसमें हमने देखिए इस तरीके से धागे को चिपका लिया है और उसमें बीट्स को डाल दिया है। ये देखिए इस तरीके से हम 3 बीट्स डालेंगे, फिर एक बेल डालेंगे, और फिर से हम यहाँ पर 3 बीट्स को डाल देंगे। यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम
बीट्स को डाल देंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर बीट्स को डाल दिया है और बाकी का जो हमारा धागा है इसको हम काट देंगे और लाइटर की हेल्प से हम इसको चिपका देंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इसको यहाँ पर चिपका देंगे कोने में। तो इसी तरीके से हमने दूसरी साइड से भी कॉर्ड्स को चिपकाया था, उसके बाद उसमें हमने बीट्स और बेल को डाला था। यहाँ पर देखिए हमारी लटकन भी तैयार हो गई है और कितनी सुंदर लग रही है। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर देखिए नीचे की साइड में भी एक कॉर्ड्स को अटैच कर लिया और उसमें बीट्स को डाला और एक बेल को डाला और हमारा झूला देखिए बनकर एकदम तैयार हो गया है। और देखिए कितना सुंदर बनकर तैयार हुआ है, ना बनाने में भी एकदम आसान और बहुत ही ज़्यादा सुंदर। तो यहाँ पर देखिए हमने इसमें अपने लड्डू गोपाल को भी बैठा दिया है और कितने सुंदर लग रहे हैं इसमें बैठे हुए। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा आज का बनाया मैकरम का कान्हा जी का झूला पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जो चैनल पर पहली बार आए हों वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू।